बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों भाइयों बच्चों बड़ों बुजुर्गों सब कैसे हो, सबको मेरा सलाम। आज फिर मैं जरा सा किचन की तरफ से एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं बना रही हूँ शलजम पालक चिकन। और यहाँ पे मैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, थोड़ा जल्दी बनाना है मुझे, तो यहाँ मैंने पहले ऑयल गर्म कर लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम है, और 2 दरमियाने साइज के प्याज ले लिए। हम थोड़ा सा प्याज फ्राई करेंगे, और इसके साथ हम इसके अंदर चिकन मेरा फ्रीज था और इसको मैं इसमें डाल दूंगा। साथ ही मैं ये टमाटर 2 मैंने दरमियाने साइज के टमाटर ले लिए, 1 टेबल स्पून ये भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ये थोड़ा सा होगा, यहाँ 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ले लिया, और 1/2 टीस्पून नमक, और 1 ही टीस्पून के करीब जीरा, और 1 टीस्पून बड़ा मिर्च कुटी हुई मिर्च, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी इसमें कम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सबज पालक है ना, इसमें थोड़ा सा हल्दी कम इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसको 5 मिनट के लिए बंद कर दूँगी, जब तक ये गोश्त थोड़ा सा अच्छी तरह उसका पानी भी निकल जाए और थोड़ा सा गल भी जाए, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर बाकी मसाले जो शामिल करने हैं वो मैं बाद में। और 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है, अब इसके अंदर हम शलजम डालेंगे और मसाले डालेंगे। यहाँ पे हमने ये 1 कप आधा कप जो है ना दही का ले लिया है, इसके ये वैसे 1 कप है, और अगर बड़े कप से नापेंगे तो 1/2 कप है। एक किलो हमने शलजम ले लिए थे, उसको बारीक बारीक काट के धो लिया, साफ कर लिया, और पहले भी धो लेने चाहिए शलजम, क्योंकि उस पर मट्टी लगी होती है, और काटने के बाद भी धोनी चाहिए। मैंने काटने के बाद भी इसको थोड़ा पानी में भिगो के रखती हूँ, क्योंकि कोई मट्टी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा तो निकल जाए अच्छी तरह। अब इसके अंदर शलजम डाल देंगे हम, 2 से 3 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी, भुनाई के बाद फिर इसके अंदर मैं और चीज़ें शामिल करूँगी। चिकन आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, चिकन बीफ मटन जो भी है, अगर नहीं भी डालेंगे तब भी नहीं खाते हैं तो ना डालें, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि बच्चे इस बहाने खा लेते हैं, क्योंकि चिकन का जायका गोश्त का जायका सब्जी में आ जाता है ना, बच्चे शौक से खा लेते हैं। 4 हरी मिर्चें काट के डाल दी, 2 गड्डी पालक ली थी मैंने, उसको अच्छी तरह साफ करके धो के और उसमें पानी डाले बगैर उसको 2-3 उसको बॉईल दे लिए, और उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, कूट भी सकते हैं कुंडी में, लेकिन मैंने चॉपर में किया है, और बगैर उसके काटे पीसे भी डाल सकते हैं। अब इस वक्त मैं पालक शामिल करूँगी, तीन सौ ग्राम चिकन था, 1 किलो शलजम और 2 गड्ढी पालक की। ये 4 से 5 अफराद के लिए सालन ज़्यादा खाने वाले हों तब भी बहुत है। 1 पीस ये कनोर क्यों का डालूंगी मैं इसके अंदर, अगर चिकन पाउडर हो तो चिकन पाउडर डाल दें, नहीं डालना चाहते ना डालें, लेकिन डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हम इसको वहाँ ढक देंगे हल्की आंच पे, 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे कि शलजम अच्छी तरह गल जाए और पालक के अंदर उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम ये 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, पालक शलजम और चिकन ये हमारा तैयार हो चुका है इस वक्त। अब इसकी हम थोड़ी सी देर भुनाई भी करेंगे, और इसमें एक और जो है ना जो हमारा सीक्रेट है वो डालेंगे, ये हमारे पास वो है क्रीम डालूंगी इसके अंदर मैं,
अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसी इलाके होते हैं जहाँ पर क्रीम नहीं मिलती, तो वहाँ आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन अगर अच्छी तरह गल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर पालक चले, और पालक को भी शलजम को भी हमने अच्छी तरह गला लिया, पर थोड़ा थोड़ा हमने इसको रखना है, बाकी अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए। थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, साग हो या पालक कोई भी हो उसमें थोड़ा सा देसी घी का फ्लेवर दिया जाए तो बहुत ही खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आप होता है। या धनिया डालूंगी इसके अंदर, मैं 2-3 मिनट इसको मैं अभी दम पे लगाई क्योंकि मैंने इसका क्रीम डाली है, बस क्रीम थोड़ी सी इसके अंदर सेट हो जाए फिर मैं शावर करती हूँ इसको।